नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, मैं करुणा लेकर के आई हूँ इस वीडियो में आपकी मार्किंग स्कीम मैथमेटिक्स क्लास 11th। तो बेटा, आप लोगों ने अपना सेकंड टर्म एग्ज़ाम अभी दिया है क्लास 11th का, और ये उस मैथ्स के आपके एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम है जो अपलोड की गई है CBSE के द्वारा, रिलीज़ की गई है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको टैली किया, जो आपकी आंसर शीट है उसको टैली किया जाएगा। तो बेटा, 40 नंबर का ये पेपर था आपका और 2 घंटे का टाइम इसके लिए आपको दिया गया था। आशा करती हूँ बेटा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के साथ अपने साथ में रख लें और अपने नुमारिकल को टैली कर लें कि आप किस प्रकार से करके आए थे अपने एग्ज़ाम में। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसी के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी गई थी, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा, 2 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके, और इसके अंदर बिल्कुल मार्किंग स्कीम में इस तरह से दिया गया है कि अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, इतना सॉल्व किया तो फिर 1 मिल जाएगा, और लास्ट तक अगर आपने आंसर निकाल दिया है तो इस तरह से आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बेटा होती है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। अच्छा बेटा, इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर शिक्षा प्रभा पर आप पहली बार आए हैं और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और एक और इंटरनल चॉइस आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है बेटा ये 9 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पर दी गई थी। बेटा, आप वीडियो को पॉज कर करके भी अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है बच्चे, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव्ड करना था इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा इसका ग्राफ फिगर इंटरनल चॉइस बेटा यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 डेरिवेशन, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा चार नंबर के लिए क्वेश्चन था आपका। तो बेटा, ये थी आपकी मार्किंग स्कीम मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की, है ना बेटा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी बेटा आपके लिए, और आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कर आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि अपने बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग स्कीम मॉडल टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर CBSE अपडेट्स आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर देना।